दोस्तों आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम ऑब्जर्व करते हैं या भी मेजर करते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ केमिकल आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जब वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो बदल जाती है, वो केस में जो भी प्रॉपर्टीज है उन्हीं को हम बोलते केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी अगर है तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन। तो उसकी जनरल रिएक्शन देखो यहाँ पे दिखाई दी है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो उसका मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे अभी एग्जांपल दिए हैं मैंने, जनरल इक्वेशन तो मैंने बता दी, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तब बनेगा कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड है वो है मेटेलिक ऑक्साइड, और जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं वो बेसिक इन नेचर रहते हैं। अभी उसका प्रूफ क्या है कि कोई भी जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर कैसा है, अगर ये हमको जानना है तो उसकी जो रिएक्शन है वो ऑक्साइड की रिएक्शन हमको एसिड के साथ करनी पड़ेंगी। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमको मिलेगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। जैसे अगर कोई एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस की रिएक्शन में हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो ये भी केस में दोस्तों हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे CU है वो बेस है और जो HCl एसिड है, बेस प्लस एसिड मिल के हमको मिलेगा सॉल्ट, डेट इज कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ पे जो कॉपर की है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो हम इसको बोलेंगे क्यूपरिक क्लोराइड। तो इससे पता चलता है कि ये बेसिक है। दूसरे इसमें हम देखेंगे एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमको मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो मेटेलिक ऑक्साइड तो है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है। अभी स्पेशलिटी क्या है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो दोस्तों एम्फोटेरिक इन नेचर है। आपको याद रखना पड़ेगा ये एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है और बेस के साथ भी रिएक्ट होता है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो हमको मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा। अगर वो बेस के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पे हमको मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, दोनों केस में बनेगा। ये एसिड बेस जैसी रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस। यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस पकड़ते हैं तो उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो हमको मिलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो है एम्फोटेरिक। दूसरा हम लेते हैं जिंक। जिंक की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमको जिंक ऑक्साइड मिलेगा। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो जिंक ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक है। जैसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखा वो भी एम्फोटेरिक था, ये जो जिंक ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक इसका मतलब जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट होगा और बेस के साथ भी रिएक्ट होगा। एसिड अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन होके हमको मिलेगा जिंक क्लोराइड मिलेगा। अगर हम NaOH लेते हैं बेस, अगर NaOH बेस लेते हैं तो जिंक ऑक्साइड अपना एसिड हो गया, तो उस केस में हमको मिलेगा जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, दोनों केस में मिलेगा। आपको याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। अगर सोडियम की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, पोटेशियम की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड हमको मिलेगा। अब ये दोनों भी ऑक्साइड है, वो सोडियम ऑक्साइड हो गया और पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे। अब ये जो ऑक्साइड है जो
हाईली रिएक्टिव मेटेरियल है सोडियम और पोटेशियम, दोनों भी हाईली रिएक्टिव है। इनको जो ऑक्साइड है, हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर रहते हैं। अगर हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे और पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करेंगे, तो हमको पहले केस में मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और दूसरे केस में हमको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये हाईली सोल्यूबल है, ये दोनों भी ऑक्साइड है, हाईली सोल्यूबल है, इसलिए हम उसको अल्कलीज भी बोलते हैं। ये दोनों ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर हमको अल्कलीज मिलेंगे। अल्कलीज क्या है, तो बेस है, लेकिन वो वाटर में हाईली सोल्यूबल रहते हैं, इसलिए उनको बेस बोला जाता है। इसका मतलब जो बेस वाटर में हाईली सोल्यूबल है उसको हम बोलेंगे अल्कलीज। तो ये उसकी रिएक्शन है। अभी एक क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इमर्स करके क्यों रखा जाता है। अभी हमको मालूम है ये दोनों मेटल है सोडियम और पोटेशियम, याद रखो दोस्तों सोडियम और पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब होता है अगर इसको ओपन में हम रखेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट होंगे, और ये जो रिएक्शन रहती वायलेंटली रहती या फिर वेरी रिगरेसली रहती, तो ज़्यादा मात्रा में उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सप्लोजन होने का डर रहता है। इसलिए ये जो दोनों मेटल है हम केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं। इमर्स करके रखते इसका मतलब ये है कि इसको एटमॉस्फेयर के साथ इसको कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसलिए दोनों मेटल को सोडियम सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या होता है, जो भी मैग्नीशियम रहता, एल्यूमियम रहता, जिंक रहता, लीड रहता, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसको एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। अगर जिंक की बात करेंगे तो जिंक एटमोस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड बनेगा, जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो लीड है वो लीड ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो मेटल्स हैं वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं ऑक्साइड की। एक बार वो ऑक्साइड की लेयर उसके अंदर बन गई तो जो अंदर का मेटल है अभी ऑक्साइड के अंदर का मेटल, वो अभी कांटेक्ट में नहीं आता एटमॉस्फेयर के, और वो जो मेटल है बचा रहता है, तो इसलिए हम उसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। जो भी ऑक्साइड की उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं, क्योंकि वो जो लेयर है इनसाइड मेटल है उसको बचाता है। अभी और एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि वाई आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगरसली वेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। जो आयरन है, आयरन रॉड है, वो बर्नर पे जलेगा नहीं, लेकिन अगर उसके फाइलिंग्स लेंगे, छोटे छोटे पीस लेंगे, तो वो जल्दी रिगरसली जलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम फाइलिंग्स लेते उसकी, उस टाइम उसका जो लार्ज सरफेस एरिया बढ़ जाता है, लार्ज सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसके नंबर ऑफ एटम्स एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स अभी फायर कैच करने को रेडी है। और ऐसे समय हम उसको हीट करते हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर, जो भी एटम अभी एक्सपोज हुए हैं फायर में, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता और वो बर्न होना चालू हो जाते हैं। लेकिन रॉड में ऐसा नहीं होता, सरफेस एरिया कम रहता है, जो एटम एक्सपोज हो रहे वो भी कम रहते हैं, तो हर एटम का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होता, इसलिए वो बर्न नहीं होती, याद रखना है दोस्तों। अभी व्हाट इज एनोडाइजिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनोडाइजिंग क्या है। जनरली एनोडाइजिंग एक मेथड है जहाँ पे हम थिक ऑक्साइड लेयर, कौन सा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हम फॉर्म करते एल्यूमिनियम आर्टिकल्स के ऊपर, जो भी एल्यूमिनियम आर्टिकल्स है उसके ऊपर थिक ऑक्साइड लेयर को फॉर्म करना, उसी को हम बोलेंगे एनोडाइजिंग। जनरली जो लेयर रहती है वो थिन रहती है, लेकिन अगर हमें थिक ऑक्साइड लेयर अगर उस पर फॉर्म करना है तो हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को, जो भी एल्यूमिनियम आर्टिकल्स रहेगा उसको हम एनोड बनाएंगे। आपको ये मालूम है कि जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है,
कोई भी एक आर्टिकल को हमने एनोड बनाया और उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लेना है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उसमें एच पॉजिटिव प्लस एस ओ फोर टू नेगेटिव आयन्स रहते हैं। एस ओ फोर टू नेगेटिव आयन्स जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि वो लार्ज साइज आयन्स है, उसको ज़्यादा ओवर वोल्टेज लगता है। लेकिन पानी में, पानी जो उसमें एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव आयन्स रहते हैं, जो ओ एच नेगेटिव आयन्स रहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ओ एच नेगेटिव आयन जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब उसमें ऑक्सीजन तैयार होता है, ऑक्सीजन प्लस एच पॉजिटिव आयन्स तैयार होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं। एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन तैयार हो रहा वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम आर्टिकल के साथ रिएक्ट होता है और जो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो इस प्रकार से एनोडाइजिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए एल्यूमिनियम आर्टिकल्स के ऊपर ऑक्साइड की एक थिक लेयर बनाई जाती है और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एनोडाइजिंग प्रोसेस। दूसरी जनरल रिएक्शन है मेटल की, वो है रिएक्शन विद द वाटर। जनरल इक्वेशन ये है कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होके आपको एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। अभी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, अगर वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो हमको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। दूसरा, हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होगी और लार्ज क्वांटिटी में हीट भी इवॉल्व होगी। ये जो दोनों रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसकी वजह से वहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और ये जो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन है वो फायर को कैच, लेकिन कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इट इज़ नॉट अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके वजह से जो भी वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इनफ नहीं है जो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन फायर को कैच करे। तो हाइड्रोजन ये केस में फायर को कैच नहीं करता है और ये रिएक्शन उतनी वायलेंट भी नहीं है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये जो तीनों मेटल हैं हाईली रिएक्टिव मेटल हैं और वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करेंगे तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। जो मैग्नीशियम मेटल है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की तरह, जो तीनों मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं होता। और जो मैग्नीशियम मेटल है जब उसकी रिएक्शन होती है पानी के साथ, जब हाइड्रोजन तैयार होता है उसमें, वो जो हाइड्रोजन है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ स्टिक हो जाता, तो उसकी वजह से जो मैग्नीशियम मेटल है सरफेस पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, वो हल्का हो जाता है और सरफेस पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का लेते हैं। एल्यूमिनियम कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, जो भी एल्यूमिनियम मेटल है वो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। Fe हो गया, Fe बोले तो आयन हो गया, वो भी स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। और जो जिंक हो गया वो भी स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। मतलब ये जो मेटल है एल्यूमिनियम हो गया, Fe हो गया और जिंक हो गया, ये तीनों मेटल है कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, ये जो मेटल है तीनों के तीनों मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट होते, ठीक है दोस्तों। और जो बाकी मेटल है, जैसे बाकी मेटल में हो गया पैलेडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और जो गोल्ड हो गया, वो किसी भी प्रकार से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। ये जो तीनों मेटल है अगर आप वाटर स्टीम के साथ भी उसको रिएक्ट करोगे तो उसकी नो रिएक्शन होगी। सिल्वर की भी अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो भी नो रिएक्शन। जो गोल्ड है वो भी
वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे कोई भी फॉर्म में तो भी रिएक्ट नहीं होंगे। इस प्रकार से जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, जिसमें है सोडियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। मैग्नीशियम मेटल हो गया हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और जो Fe हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। लेकिन जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये जो मेटल्स हैं वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल है। इस प्रकार से भी हम जो मेटेलिक रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लगा सकते हैं। अभी जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। आपको जो रिएक्शन करनी है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। ये जो चारों मेटल है वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको सॉल्ट मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करेंगे हम, हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। जिंक की बात करेंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये जो मेटल है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, अगर हम मेटल की रिएक्शन उसके साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज करता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता है या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब कोई भी मेटल उसके साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती तो है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बढ़ेंगे? अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं एटम से तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर हमको मेटल नाइट्रेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ये केस में अगर सोडियम की रिएक्शन करते हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमको सोडियम नाइट्रेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है नाइट्रिक एसिड उससे रिएक्ट होगा, उसमें एक ऑक्सीजन एटम को ऐड करेंगे, उसकी वजह से वो बन गया वाटर, दैट इज H2O बन गया। और जो अगर नाइट्रिक एसिड किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस होके वो बनेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, और एक क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम है और मैग्नीस है, ये जो दोनों मेटल है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं, उसका क्या रीज़न है? बाकी कोई मेटल ऐसे नहीं है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन को इवॉल्व करेंगे, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीज वो दोनों भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड तो अपना काम करता है लेकिन जो वाटर बनता है उसको मैग्नीशियम और मैग्नीज रिड्यूस करता है, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, तो उसके वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। वाटर तो बनता है लेकिन वाटर बनने के बाद भी जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है वाटर से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वो ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं और हाइड्रोजन वहाँ पे बच जाते, इसलिए वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये कारण है। अगर एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये वहाँ पे यूज करना है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल से वो ऑक्सीजन निकाल लेगा तो जो बचा वो हाइड्रोजन बचा, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अभी हमने जो भी डिस्कशन किया है वो डिस्कशन से हम जो मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, जिंक को Fe है उसकी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमको ये ऑर्डर मिलेगा। मैग्नीज हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, जिंक है और उसके बाद
Fe, ये ऑर्डर उसमें मिलेगा। अभी और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्वा रेगिया, एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया ये एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रिक एसिड प्लस HCl, उसमें नाइट्रिक एसिड और HCl है, और जो HCl है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका प्रोपोर्शन 75%, HNO3 है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका प्रोपोर्शन है 25%। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो वो आएगा 3:1। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये जो मिक्सचर है एक्वा रेगिया, ये हाईली करोजिव मिक्सचर है। दूसरा, उसमें अगर जो नोबल मेटल है फॉर एग्जांपल गोल्ड और प्लेटिनम, वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। इंडिविजुअल कोई भी एसिड में गोल्ड और प्लेटिनम डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये जो मिक्सचर है जिसमें थ्री पार्ट जो रहता है HCl का रहता है और वन पार्ट नाइट्रिक एसिड का रहता है, उसमें ये जो मेटल है रिएक्ट हो जाते। चौथी प्रॉपर्टी केमिकल मेटल और नॉन मेटल जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे उसमें से चौथी प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर हम उसकी जनरल रिएक्शन देखेंगे तो मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस बी। मतलब कोई भी मेटल की अगर हम दूसरे मेटलिक जो सॉल्ट है उसके साथ उसका जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर उसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो जो पहला मेटल है, अगर पहला मेटल हाईली रिएक्टिव होगा, अगर पहला जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव होगा दूसरे मेटल से, तो दूसरे मेटल को जो सॉल्ट फॉर्म में है उसको रिप्लेस करके जो सॉल्यूशन है वो अपना सॉल्यूशन बनाएगा और वो उस मेटल को डिस्प्लेस करके सॉल्यूशन से अलग कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर मेटल है अगर स्ट्रांग है हाईली रिएक्टिव है तो मेटल बी को सॉल्यूशन से हटा के अपना सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है उसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो उसके नीचे या फिर लेस रिएक्टिव मेटल है उसको रिप्लेस करता है। दोस्तों अभी हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल जनरली सिमिलर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से, बस उसमें कुछ वेरिएशन है। अगर हम जनरल इक्वेशन देखेंगे उसका तो उसमें नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, कोई भी नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हमको मिलेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीजन का हमको मिलेगा मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन जो नॉन मेटल है उसके साथ अगर रिएक्ट होगा ऑक्सीजन तो हमको मिलेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जनरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहते वो एसिडिक इन नेचर रहते। हमने देखा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर इसका मतलब होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन लेंगे या फिर हाइड्रोजन लेंगे, जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहते वो जनरली एसिडिक भी रहते हैं और न्यूट्रल भी रहते हैं, दोनों भी रह सकते हैं। अगर एसिडिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड चाहिए तो हमको लेना पड़ेगा कार्बन, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके हमको मिलेगा कार्बोनिक एसिड जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है क्योंकि पानी में डिजॉल्व होके हम वो एसिड बना रहा है। दूसरा, अगर हाइड्रोजन लेंगे वो भी नॉन मेटेलिक है, जो भी हाइड्रोजन है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा। अगर हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमको मिलेगा वाटर, डेट इज H2O। अभी H2O जो हमको मिल रहा है H2O वो भी एक ऑक्साइड है, लेकिन ये जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल इन नेचर है क्योंकि इट इज नॉट एसिडिक और इट इज नॉट अ बेसिक, मतलब बेसिक भी नहीं है और एसिडिक भी नहीं है, इसकी वजह से हम उसको न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। जनरली जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने स्लाइड पे दिखाया है कि जो नॉन मेटल है फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसका एनायन बन जाएगा। अभी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि वाटर के साथ रिएक्ट होकर वो बनाएंगे एसिड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वाटर के साथ रिएक्ट होके वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट होके वो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और ये जो दोनों भी है कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक इन नेचर है क्योंकि वाटर के साथ मिला के एसिड बन रहा है। अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, एसिड विद एसिड, तो हमको कोई भी रिएक्शन मिलेंगे नहीं क्योंकि जो एसिड होता है वो भी एसिडिक है और जो अपना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे मिला है वो भी एसिडिक है। तो इससे पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर रहेंगे, या फिर अगर वो हाइड्रोजन होगा तो वो केस में वो न्यूट्रल रहेंगे।